बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग आइसोमेरिज तथा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स संरचनात्मक समावयवता और सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग हिंदी में त्रिविम समावयवता भी कहते हैं। बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो कंपाउंड्स के सेम ग्रुप्स, यहाँ चूंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को जोड़ के पढ़ रहे हैं तो यहाँ ग्रुप्स शब्द मेटल से जुड़े लिगेंड्स को इंडिकेट करता है। तो बच्चों, जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक जैसा हो परंतु बट सेंट्रल मेटल से जुड़े लिगेंड्स का स्पेस, हिंदी में दिक, स्पेस में ओरिएंटेशन, अभिविन्यास डिफरेंट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तब आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमिना को, इस परिघटना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, जबकि सेकंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में देखने को मिलती है जिनमें
डिफरेंट लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने पर लिगेंड्स के मध्य बॉन्ड एंगल बंद कोण में परिवर्तन चेंज होता है। बच्चों यदि किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करें और बॉन्ड एंगल चेंज दिखाई दे तब हम कहेंगे कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ प्लैटिनम के साथ में चार लिगेंड अटैच किए हैं जिनमें दो अमोनिया तथा दो क्लोराइड। इन दोनों के बीच ये बॉन्ड एंगल इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होने के कारण 90 डिग्री जबकि यहाँ उसी ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल का मान बढ़कर 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। बच्चों ऐसे में ये दोनों कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करते हैं जबकि दोनों में बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिफरेंट। बॉन्ड एंगल के डिफरेंस की वजह से ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह के कंपाउंड्स जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तथा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी को एग्जाम्पल के रूप में अप्लाई करते हुए या ये कह दीजिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे पढ़ेंगे उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जहां सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तथा
6 है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर चार होने पर दो प्रकार की ज्योमेट्रीज देखने को मिलती हैं, जिनमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तथा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तथा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाले स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और हम उन शर्तों उन कंडीशंस को भी देखेंगे कि कौन से कंडीशंस फुलफिल होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इन दोनों ज्योमेट्रीज और इन ज्योमेट्रीज में उन कंडीशंस को देखेंगे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। थैंक यू।